हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे टॉपोग्राफी मैप, स्टिलाकेटिक मानचित्र। टॉपोग्राफी मैप जो है, टॉपोग्राफी कंसीन द शेप एंड करेक्टर ऑफ द अर्थ, यानी कि टॉपोग्राफी जो मानचित्र है, ये पृथ्वी की आकृति और उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जो धरातलीय सतह है, धरातलीय सतह है सरफेस जो है, उसकी विभिन्न जो विशेषताएँ करेक्टर्स जो हैं उनको ये प्रदर्शित करते हैं। सर्फेस एंड मैप वी आर अमंग द फर्स्ट आर्टिफैक्ट टू रिकॉर्ड दीज ऑब्जर्वेशन। नाउ इज टॉपोग्राफिकल मैप इन मॉडर्न मैपिंग, ए टॉपोग्राफिक मैप ऑफ टॉपोग्राफी सीट इस टाइप ऑफ क्रिटिसाइज्ड बाई लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है जो मानचित्र बने होते हैं, उनके टॉपोग्राफिक जो मानचित्र होते हैं, स्थलाकृतिक जो मानचित्र होते हैं, इन स्थलाकृतिक मानचित्रों पर विभिन्न विशेषताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र जो है, इनकी विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र के अंदर माउंटेन्स हैं या रिवर है या वैली है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से टॉपोग्राफी जो मानचित्र होते हैं वो अलग अलग कंटूर्स के आधार पर बने होते हैं, कंटूर लाइन जो होती है उनके आधार पर ये खींचे जाते हैं। यानी कि टोपोग्राफी मानचित्र होते हैं, ये टोपोग्राफी मानचित्र, बट हिस्टोरिकल यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड ट्रेडिशनल एंड डेफिनेशन रिक्वायर्ड ए टोपोग्राफिक मैप टू शो बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स। टोपोग्राफिक सर्वेज typically based upon systematic observation and published as a map series made up of two or more map sheet that combine to form the map। यानी कि मानचित्र के अंदर जो है विभिन्न स्थलाकृतिक सर्वे जो मानचित्र है उनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को देखा जाता है, उसके माध्यम से विभिन्न जो क्षेत्र हैं क्षेत्र या उनके बच्चा बच्चे हैं, उनकी विशेषताएँ हैं, उनको उनको प्रदर्शित किया जाता है, जो कि एक सर्वे के माध्यम से या किसी भी क्षेत्र की जो विशेषताएँ होती हैं उनके माध्यम से उनको जाना जाता है और उनको आसानी से ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो है पब्लिश किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है और पब्लिश किया जा सकता है। मेड अप टू मोर मैप सीट्स, जिससे यानी कि विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएँ हैं उनके आधार पर सीटों का निर्माण किया जा सकता है। ए टोपोग्राफिक मैप सीरीज यूज ए कॉमन स्पेसिफिकेशन दैट इंक्लूडेड द रेंज ऑफ कार्टोग्राफी सिंबल एम्प्लॉयड एज वेल एज स्टैंडर्ड जियोडिक फ्रेमवर्क दैट डिफरेंस आर मैपिंग प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिस्टम एरिस्पेंट एंड जियोटिक डेटम। ऑफिशियल टोपोग्राफिक मैप आल्सो एडॉप्ट ए नेशनल ग्रिड रेफरेंसिंग सिस्टम, जो कि नेशनल ग्रिड के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र जो हैं उनके माध्यम से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन है उनको इसके माध्यम से दिखाया जाता है। कनाडा प्रोवाइड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपोग्राफिक मैप्स, यानी कि कनाडा का जो मानचित्र है वो इसको प्रदर्शित करता है। दीज मैप डिपेक्ट ऑफ डिटेल ग्राउंड रिलीफ वे मानचित्र के जो विभिन्न ऊंचाव अच्छे उनको प्रदर्शित करता है, जैसे कि ड्रेनेज है, यानी कि अपा है, वन है, फॉरेस्ट कवर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक एरिया है, पॉल्यूटेड एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटी है उनको इसके माध्यम से प्रदर्शित किया सकता है। तो इस तरह से इनकी जो ये स्थलाकृतिक मानचित्र है, स्थलाकृतिक मानचित्र जो है परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि परिवहन जो परिवहन का जब विकास किया जाता है तो उसको ये प्रदर्शित हो सकता है कि इसको किस क्षेत्र के अंदर निकाला जाए, जिससे कि कम से कम लागत में इसका निर्माण हो सके। तो इस तरह से यानी कि जो टॉपोग्राफिकल मैप होता है ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये टॉपोग्राफी मैप सीरीज यूज कॉमन स्पेसिफिकेशन
specifics and that include us in the arranging cartography, symbol employed as well as fit and geotech framework, define the map projection coordinate system, helixpoid and geodetic datum, official topography maps are also part of the natural reference system. लक्षण और रेशम पर हैं उनको भी प्रदर्शित इसके माध्यम से किया सकता है और विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रतियाँ उनको प्रदर्शित किया जाता है। प्रोजेक्शन जो है मानचित्र प्रक्षेप जो है उनको आसानी से चित्र के माध्यम से दिखाई जा सकता है। प्राकृतिक स्रोत जो है उनका भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अंदर पता लगा सकता है। तो एज द एनवायरमेंट टोपोग्राफी मैप सीरीज बिकम ए नेशनल रिसोर्स एंड मॉडर्न नेशनल इन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर मेडिटेरेनियन न्यू करेक्ट यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे 1879 रिमाइंडर की वो जो सर्वे हैं उनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का जो वर्णन है उनको आसानी से किया जा सकता है। एज दे इन्वॉल्व टॉपोग्राफिक मैप सीरीज बिकम नेशनल रिसोर्स एंड इन मॉडर्न नेशन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इन द यूनाइटेड स्टेट द नेशनल मैप मेकिंग फंक्शन विच एड बीन शेयर्ड बाय द बोथ द आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर migrated to the newly created United States Geological Survey 1879 where it is remained since यानी कि 1879 से लेकर के जो है ये मानचित्र जो निरंतर बनाए जा रहे हैं और ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र जो है ये विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी जो है उनको प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।